केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 25,000 और जवान भेजने का फैसला किया है। 7 अगस्त से पहले इन जवानों की तैनाती की जानी है। 100 कंपनियां पहले ही जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वहीं 35,000 अतिरिक्त जवान जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए हैं। बता दें कि घाटी में कई दरगाहों, मस्जिदों और कुछ अदालतों से भी सुरक्षा हटाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पीएम मोदी चाहे तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि इसके लिए पाक पीएम इमरान खान से भी बात की गई है। उन्नाव पीड़िता अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है। हादसे के 5वें दिन भी पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं। पीड़िता की हालत अब भी नाजुक है। वेंटिलेटर से हटाते ही पीड़िता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम पीड़िता की निगरानी कर रही है। उन्नाव रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सुरक्षा कारणों की वजह से दिया है। इसके अलावा पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही किया जाएगा, उसे दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला इस मामले में सुनाया गया है। आपको बता दें कि समिति के अंदर और बाहर पक्षकारों के रूप में कोई बदलाव नहीं दिया। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई का आदेश दिया है। 6 अगस्त से खुली अदालत में इस मामले पर रोजाना सुनवाई होगी। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित कराने की मांग की गई है। 3 तलाक को लेकर बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है। ओडिशा से बीजेपी विधायक विष्णु सेठी ने कहा था कि 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं को वैश्यवृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विष्णु सेठी के बयान पर हंगामा हो रहा है, तो वहीं बीजेपी विधायक अपने बयान पर कायम है। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की कड़ी आलोचना की है। अमर सिंह ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम भारत माता को गाली देते हैं, पीएम को गद्दार बताते हैं। आजम को भारत में रहने की जरूरत नहीं, वो जिस देश का गुणगान करते हैं वहीं चले जाएं। एनएमसी बिल के विरोध में देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली में डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। इस दौरान बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर चर्चा भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 1 सितंबर से चीन के 300 अरब डॉलर के आयात पर 10% का टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेजी से किसी व्यापारिक समझौते पर नहीं पहुंचे, तो ये टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा।